हेलो यूजर्स कैसे हैं आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा अपडेट जानते हैं क्रिप्टो मार्केट में चौबीस चल चल तो घंटे में अगर देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा इन्फ्लो देखने को मिला है साथ क्योंकि जो बुल्स है वो मेंटेन कर रहे हैं अपर हैंड ओवर बियर्स और एक बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है क्रिप्टो करेंसी को जस्ट लाइक बिटकॉइनियम ये अपने लेवल को अच्छा बनाए हुए हैं और एक अच्छा प्राइज़ आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो अभी अंडर गोइंग बाइंग प्रेशर बना हुआ है ग्लोबल क्रिप्टो सेक्टर कैपिटलाइजेशन में नौ तारीख को देखा जाए तो एट बिलियन डॉलर कैपिटलाइजेशन पहुंच गया क्रिप्टो मार्केट का और बिटकॉइन जो डोमिनेंस करता है क्रिप्टो मार्केट को उसका मार्केट डोमिनेंस तक रहा इथेरियम का 19 तक जिसने कहीं कही कहीं ना जो फोकस है मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसको और ज्यादा बढ़ा दिया बिटकॉइन को अगर देखा जाए तो उसने सत्रह हजार डॉलर का लेवल फिर से छू लिया है जो कि एक बुलिश मोमेंटम को दिखाता है साथ ही अगर बात करें अनदा क्रिप्टो करेंसी की तो इथेरियम भी तेरह सौ लेवल के डॉलर पर पहुंच चुका है और साथ ही एक दिन में इसने पांच परसेंट का पम्प दिखाया और तेरह सौ बीस डॉलर तक पहुंच गया तो इस तरह से टॉप मोस्ट करेंसी तो अच्छा इन्फ्लो दिखा रही है तो चांसेस बन सकते हैं कि आने वाले टाइम में अदर क्रिप्टो करेंसी भी एक अच्छा प्रा प्राइस रेज दिखाए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में फोर हाँ थाउजेंड पे करीब 4,752 बीटीसी माइन किए गए जिससे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2023 में भी अच्छा प्रोडक्शन रहेगा हाई ब्लॉकचेन ने रिपोर्ट किया 18% इंक्रीज बिटकॉइन प्रोडक्शन इन 2022 बिटकॉइन का जो प्रोडक्शन है वो एक्सपेक्टेड से देखा जाए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी उससे इंटेल माइनर्स अच्छा परफॉर्म किया है 2022 में क्रिप्टो माइनिंग की बात करें तो हाई ब्लैक चेन काफी पॉपुलर ब्लॉक चेन है जिसपे बीटीसी मिंट किए जाते हैं 2022 का डेटा उन, उनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव नोट छोड़ के गया है बी आर मार्केट होने के बावजूद जो माइनिंग रिस्क है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी द्वारा लेवरेज द्वारा दी गई जिसकी वजह से क्रिप्टो माइनिंग में इजाफा हुआ और देखा जाए तो काफी अच्छे अमाउंट में बी को मिंट किया गया इंटर का न्यू माइनिंग चिप जो है वो हाई ब्लॉक चेन पे इंक्रीज करता है बिटकॉइन की माइनिंग की एफिशिएंसी को साथ ही जो उसका बिटकॉइन प्रोडक्शन है उसको काफी लोअर करता है जिससे कि माइनिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है 2022 में अब देखने वाली बात ये होगी 2023 में बुलिश मोमेंटम क्रिप्टो माइनिंग में रिकवर करता है या उसे और ज्यादा बढ़ाने में कितना हेल्प कर पाता है बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में ऑप्टिमाइजिंग टोकन OP बढ़ता है 27 सेवन के पीछे दो मेन रीजन है अगर देखा जाए तो का प्राइस 27 बढ़ गया ऑप्टिमाइज हिट करता है अपना ऑल टाइम हाई डेली ट्रांजेक्शन के मामले में ये टोकन जो है वो 1.3 डॉलर के मार्क तक पहुंच जाता है 2022 नवंबर में जबकि एफ जो एक्सचेंज है उसकी हाल ही में इंसॉल्वेंसी देखी गई थी स्टिल ओपी टोकन में ट्वेंटी सेवन परसेंट का राइस देखा गया पिछले चार दिनों में लास्ट एट डेज से देखा जाए तो फोर्टी परसेंट तक का प्राइस राइज देखने को मिला है इसके लिए वन ऑफ द रीजन ये माने जा रहे हैं कि ऑप्टिमाइमिजम का जो लेयर टू सोल्यूशन है थी उसका डिमोन्स्ट्रेशन डेली ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड किया गया है तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज नेटवर्क जो है वो अपनी फीस कलेक्टेड में 42.81 परसेंट की बढ़ोतरी दिखाता है 71.3 परसेंट इंक्रीज करता है प्रोटोकॉल रेवेन्यू में एक अनदर रीजन ये भी है कि पो सेंटर रैली देखने को मिली है ओपी टोकन में जिससे कि क्रिप्टो मार्केट में फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर में इस टोकन के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली है बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में मेटावर्स टोकन में एक बूम देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में जिले का प्राइस में फिफ्टी परसेंट तक का पम्प देखा गया जबकि सैंड पंद्रह परसेंट बढ़ा है मेटावर्स इको में एक बिग जम्प देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में फोर्टी नाइन पॉइंट टू जीरो जिले टोकन में पंप देखने को मिला है बढ़ गया हाल तो ही में मेटावर्स का क्रेज तो बड़ा ही बड़ा है इससे कहीं कही ना कहीं जो टोकन का प्राइस है वो भी अच्छा रिकवर कर रहा है मार्केट कैप की बात करें तो अभी 419.512 मिलियन यूएसडी है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिप्टो का साथ ही एक प्रीवियस डे दे में देखा जाए कंपेयर की बात करें तो टू थाउजेंड परसेंट का प्रीवियस डे से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है मेटावर्स में तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम और साथ ही कुछ मेटावर्स कॉइन्स में अच्छा पंप देखने मिला पिछले चौबीस घंटों में ये सपोर्ट करता है कि आने वाले टाइम में मेटावर्स जो टोकन है उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है और इन्वेस्टर्स बेसिकली इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और टोकन को पंप होने के पीछे कहीं ना कहीं मेटावर्स का अपने को जो फील्ड है जिस तरह से मोस्ट ऑफ द जाइंट अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे हैं मेटावर्स में अपनी एंट्री दिखा रहे हैं उस वजह से कहीं ना कहीं मेटावर्स का क्रेज तो बनाया हुआ है आने वाले टाइम में इसके टोकन्स का प्राइस भी बढ़ सकता है अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में कार्डानो में रिसीव करता है 1.5 बिलियन डॉलर इन सिंगल डे देखा जाए तो इंडिया की जो वैल्यू है स्काई रॉकेट हुई है बढ़ी है 1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं कार्डानो में पिछले चौबीस घंटों में और देखा जाए तो इसका जो डेली हाई है 11.74 बिलियन डॉलर तक हो गया है सिग्निफिकेंट परचेजिंग पावर देखी या प्रेशर देखा गया ADA की प्राइस बढ़ोतरी में कॉइन अभी ट्रेड कर रहा है 0.32 पे और पिछले 24 घंटों में 14% का पंप देखने को मिला है प्राइस एक हफ्ते में 28% तक बढ़ा है तो नो no डाउट इसका जो एनकाउंटरिंग रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.30 तक पहुंच गया और सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल ADA का 0.50 लेवल तक देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले टाइम में ये और अच्छा रिकवर करेगा और एक अच्छा नया ऑल टाइम हाई सेट कर सकता है तो आज के लिए इतना ही आगे आने वाली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा थैंक यू